जेके एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शहजाद नाइक। इस वक्त हम गवर्नमेंट डेंटल इंदिरा कॉलेज जम्मू में मौजूद हैं, जहाँ पर हमारे साथ राकेश के गुप्ता प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल डेंटल कॉलेज के मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे ओरल डे के बारे में कि क्या फ़ायदे हैं ओरल डे मनाने के और क्या नुकसान हैं और ये क्यों मनाया जाता है, इससे क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे युवाओं को। हम उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप मीडिया का भी तहे दिल से धन्यवाद इसको कवर करने के लिए। ऐसा है कि ये डे 20 मार्च को हर साल पूरे वर्ल्ड ओवर में मनाया जाता है एज ए वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। इसका बेसिक क्या था कि ये 2013 में फेडरेशन ऑफ डेंटल इंटरनेशनल ने डिसाइड किया कि हम एक दिन फिक्स करेंगे पूरे दुनिया में लोगों को अवेयर करने के लिए कि क्या सिग्निफिकेंस है एक अच्छी डेंटल हाइजीन ओरल हाइजीन को मेंटेन करने की। तो उन्होंने 2013 में डिसाइड किया कि हम इसको हर साल 20 मार्च को मनाएंगे, उसका एक थीम भी देंगे। इस साल का जो थीम है, इस साल का थीम है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। उसका उनका बेसिक लॉजिक क्या है इस थीम का? इस थीम का लॉजिक है कि आप लोगों में जाइए, उनको बताइए कि एक अच्छे ओरल हाइजीन, एक अच्छा डेंटल हेल्थ मेंटेन करने का क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, ताकि हम जनरल पब्लिक में जाएं, उनको हम एजुकेट कर पाए। इसी प्रोटेक्स्ट में हमने कम्युनिटी डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट जो हमारे इस इंस्टीट्यूशन में है, उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट और उनके बाकी फैकल्टी एंड स्टाफ को हमने इंस्ट्रक्ट किया कि आप इसको एज ए वीक के तौर पे सेलिब्रेट करें, क्योंकि इसकी हमें जो इंस्ट्रक्शंस थे इसके सेलिब्रेशन की हमारे स्टेट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी HME हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन से भी थी और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से भी थी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट की तरफ से भी थी। तो हमने उनको इंस्ट्रक्ट किया आप जाएं इसको एज ए वीक के तौर पे इसको सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट ऐसा करें ताकि ऐसे ऐसे लोगों को आप अप्राइज करें कि क्या सिग्निफिकेंस है कि आपके दांत अच्छे हों, आपकी ओरल हाइजीन अच्छी हो, उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। तो इसी प्रोटेक्स में हमने स्लम्स में जम्मू प्रोविंस की, हमने अनाथाश्रय, वृद्धाश्रम, फिर जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इवन हमने मॉल तक जाके लोगों को इसकी अवेयरनेस के लिए हमारे डॉक्टर साहिबांस की टीम गई, उनको लेक्चर्स दिए, उनको अप्राइज किया, इन सब चीज़ों का सिग्निफिकेंस क्या है। तो उसी प्रोटेक्स्ट में जब उनको एग्ज़ामिन भी किया गया, उनको स्क्रीन भी किया गया, उनको ट्रीटमेंट भी दिया गया, इसके अलावा हमारे डॉक्टर साहिबान ने जितने भी स्कूल्स हैं जम्मू के, चाहे गवर्नमेंट के हैं चाहे प्राइवेट हैं, उनके टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी। उनके टीचर को ट्रेनिंग देने का हमारा एक ही मकसद था, जब टीचर खुद अवेयर होगा एक अच्छी ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए, तो वो अपने स्टूडेंट्स को भी उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी सिग्निफिकेंस बता पाएगा कि कैसे आपको भी अपने बच्चों को भी अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है। तो हमने काफ़ी जगहों पे स्कूलों में भी इसके टीचर्स को भी ट्रेन किया है। तो इसका पूरा मकसद क्या है कि हम बच्चों को बता पाएँ, अपने एडल्ट्स को बता पाएँ, अपने बाकी भाई बहनों को बता पाएँ कि आपने अपनी ओरल हाइजीन अपने कैसे मेंटेन करनी है। उसके लिए दो सिंपल से चीज तरीके हैं। आपको ब्रश दो बार करना है, सुबह और शाम को करना है,
इमिडिएटली आप खाना खाने के बाद करना है। ब्रश जो यूज़ करना है वो सॉफ़्ट ब्रश होना चाहिए, उसके ब्रिसल सॉफ्ट होने चाहिए, और उसके टेक्निक एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ब्रशिंग किस ढंग से करनी है। और खाना खाने के इमिडिएटली आपको ब्रश करना है। इवन जो भाई बहन दातन करते हैं वो दातन भी करें और ब्रश भी करें। दातन का एक सिग्निफिकेंस है कि वो जो मसूड़ों की प्रॉब्लम होती है उसको एक किस्म का फिजियोथेरेपी का रोल ये प्ले करते हैं, और उससे ब्लड फ्लो गम्स में मेंटेन रहता है, वो गम्स जो हैं हेल्दी रहते हैं। तो उस प्रोटेक्स में आप दातन भी कर सकते हैं, आप ब्रश भी कर सकते हैं, आप डेंटल फ्लॉस का भी प्रयोग करें। उसके अलावा जो आम सोसाइटी में खासकर यंग जनरेशन में एक आदत से बन गई है छोटे छोटे बच्चों में टॉफ़ीज़ चॉकलेट जंक फूड खाने की, वो भी हमने उनको बताया कि इनके खाने से क्या क्या नुकसान मुंह के अंदर हो सकते हैं, उन कितनी वो कैविटीज़ बना पाएंगे। जब कैविटी होती हैं तो उसके बाद दांत में फिर फिलिंग्स करनी पड़ती हैं, जब बहुत हद तक प्रॉब्लम हो जाए तो उनको निकालना भी पड़ता है। तो इसलिए हमने उनको बताया कि आपकी डाइट जो है इन सब चीज़ों से फ्री होनी चाहिए, एक बैलेंस डाइट लेके चलो। इसके लिए भी हमने काफ़ी हद तक उनको समझाया है, और आजकल एक वो बैलेंस डाइट लेके चलो। इसके अलावा हमने यंग जनरेशन को भी एक मतलब कि आपकी की हैबिट हो गई है तंबाकू प्रोडक्ट्स खाने की या स्मोकिंग करने की, उनको भी अवेयर किया, उनको भी एजुकेट किया कि इनके खाने से मुंह के अंदर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन से ओरल कैंसर हो सकते हैं। तो काफ़ी हद तक उनको भी इस चीज़ के बारे में बताया गया। तो इन सब चीज़ों का हमारा वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाने का मकसद ही यही है कि पूरी सोसाइटी को हम अवेयर करें, आपको अच्छी ओरल हेल्थ मेंटेन रखनी है। जब आपके दांत अच्छे होंगे, ओरल स्ट्रक्चर अच्छा होगा, आप खाना प्रॉपर तरीके से च्यू कर पाएंगे, आप मेस्टिकेट कर पाएंगे। जब वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे, आपके जो एंजाइम्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, उनके ऊपर प्रॉपर एक्ट कर पाएंगे, तो आपकी जो बॉडी जनरल हेल्थ जो है वो एक अच्छी वेलबींग की फीलिंग देगी, एक अच्छी गुड हेल्थ होगी, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी, मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। तो इसका पूरे इस साल का जो थीम है बी प्राउड ऑफ योर टीथ यही था कि आप एक अच्छे हाइजीन को फॉलो करो, बैलेंस डाइट लेके चलो, और जितनी हैबिट्स हैं जैसे स्मोकिंग है या तंबाकू प्रोडक्ट्स वगैरह खाने की, इन सबको अवॉइड करो। तो आप जब ये लेके जाएंगे तो आप का ओरल कैविटी हेल्दी है, आप खुद हेल्दी हैं, जब आप खुद हेल्दी हैं तो आप सोसाइटी के लिए बहुत हद तक बहुत चीज़ें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो इसका मेन मकसद यही था वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे का। ये हमने इसको 7 दिन के तौर पे मनाया गया है, 13 से हमने स्टार्ट किया है और 20 को हम इसको कल्बिनेट कर रहे हैं। सर, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि जिस तरह से सिटी में इस तरह के प्रोग्राम जो है चलाए जाते हैं ओरल डे के, जहाँ पर गांव देहात की अगर हम बात करें, जहाँ पर रोड की जो कनेक्टिविटी नहीं होती है, बिजली नेट की जो सुविधा वो उपलब्ध नहीं होती, वहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम जो है किस तरह से अवेयर होंगे और किस तरह से? आपको यही मैं कह रहा था कि हमारे जो कम्युनिटी डेंटिस्ट्री हेल्थ डिपार्टमेंट है जिसने ये बाकी जो स्कूलों को कवर किया, उसने काफ़ी फार फ्लंग और बॉर्डर एरिया में जाके कैंप लगाए हैं। इस डिपार्टमेंट का काम ही यही है कि जिन जगहों पे पेशेंट हमारे पास नहीं आ सकता है, ये हमारे डॉक्टर साहिबानस की टीम बैंड के साथ वहाँ पर जाती हैं, उन एरिया में जाके उनको एजुकेट करती हैं, उनको एग्जामिन करती हैं, और कहीं को किसी को ट्रीटमेंट भी देना है देहांत पे या बॉर्डर एरिया में या हिली एरिया में जहाँ से लोग नहीं आ सकते हैं, वहाँ पे जो जाते हैं उनको ट्रेन करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं। तो इस वीक में ये इन जगहों पे भी गए हैं, बॉर्डर पे भी गए हैं, स्लम एरिया में भी गए हैं, फॉर फ्लंग एरिया में भी कवर किया है। तो इसका मकसद यही है कि जितने जिस एरिया में टर्शियरी इंस्टीट्यूशन में लोग नहीं आ सकते हैं, हम उन लोगों के पास जाएँ और उनके पास आउटरीच का प्रोग्राम करें, उनको एग्जामिन करें, उनको देखें, उनको समझाएं कि सिग्निफिकेंस क्या है अच्छी ओरल हेल्थ का, और जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनको हम वहाँ पे ट्रीट भी करें, हम कितने हद तक कर पाएँ। तो ये हमने इस मुहिम में उनको किया है, ये उसी का हिस्सा है एक जो आपने क्वेश्चन किया,
उसी का, ताकि आउटरीच कर पाए लोगों को, जिन लोगों के पास हम नहीं पहुंच पाते हैं, जो हमारे पास नहीं पहुंच पाते हैं, हम उनके पास पहुंच पाए। सर, युवा जिस तरह से आजकल आपने कहा कि नशा जो है बहुत ज़्यादा करता है, कोई तंबाकू खाता है, कुछ अलग अलग तरीके का नशा करते हैं, उन लोगों के लिए ये जो प्रोग्राम है कितना सही साबित होगा अगर ये युवा जो है देख रहे होंगे? इसके लिए हम बताएं कि हमारे यहाँ पे एक तंबाकू, एक कम्युनिटी डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट ने तंबाकू सजेशन सेंटर खोल के रखा हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास यंग जनरेशन यहाँ पे आती है या कैंपों में यहाँ पे हम लगाते हैं, तो उनको भेजा जाता है इन सजेशन सेंटर में, उनको दिखाया जाता है थ्रू मीडिया, थ्रू लेक्चर्स, थ्रू स्क्रीन प्रेजेंटेशन के थ्रू, कि जो जो लोग नशा करते हैं या तंबाकू च्यू करते हैं या मुंह में इस किस्म के हैबिट्स करते हैं, मुंह के अंदर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, किस किस किस्म के मुंह के कैंसर होते हैं, तो ये सब उनको पूरे का पूरा विजुअल, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम के थ्रू उनको दिखाया जाता है। तो हमारा जो सेंटर है, स्क्रीनिंग सेंटर, तंबाकू सजेशन सेंटर, ये सारी एक्टिविटी करता है। तो नेचुरली जब उनको लगेगा कि हमें इन चीज़ों को यूज़ करने से इस किस्म का नुकसान होता है और अगर हम इनको यूज़ नहीं करेंगे तो हम इन बीमारियों से बचे रहेंगे, तो काफ़ी हद तक हम लोगों को मोटिवेट करने में सक्सेसफुल होते हैं। तो इस डिपार्टमेंट में शायद एक इंस्टाग्राम का एक कनेक्शन दिया हुआ है, जिसमें कुछ लोगों ने अपना ओपिनियन भी दिया है कि यहाँ पे आने के, ट्रेन होने के बाद यहाँ पे आने के, देखने के बाद कि इससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, उन्होंने 5-10 लोगों ने इसको करना भी, इस हैबिट को करना भी छोड़ दिया है। एंड दे हैव बिकम ए स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट कि ये हैबिट नहीं करनी चाहिए। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं कि यंग जनरेशन को हम जितना एजुकेट कर पाएँ, उनको ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू, उनको प्रोजेक्शंस के थ्रू बताएं इसको यूज़ करने से क्या क्या कैंसर है, क्या क्या बीमारी हो सकता है मुंह के अंदर। तो काफ़ी हद तक हम इसका एफर्ट कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राकेश के गुप्ता जी, प्रिंसिपल डेंटल, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के। उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं के लिए जो मैसेज है वो जो है इस पर अमल करें, और जो नशा करते हैं उनके लिए भी अच्छा मैसेज है ये कि अपने दांतों को किस तरह से बचाया जा सकता है। आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो है ठीक रहेगा तभी जब आप दिन में 2 बार ब्रश कर पाएंगे, सुबह खाने से पहले और शाम को खाना खाने के बाद जो है ब्रश करें, और ब्रश का जो वो होता है ब्रश वो सॉफ्ट होना चाहिए। हम आपको ऐसी और भी खबरों से अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए जेके एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद, शुक्रिया।